आज जो वीडियो हम यहाँ पर शूट करने जा रहे हैं, ये उन सभी लोगों के लिए है जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि आज बहुत सारे जॉब करने वाले पर्सन, बहुत सारे स्टडी करने वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे एक दिन अपना एक खुद का बिजनेस करना है और मुझे अपने बिजनेस का ऑनर खुद बनना है। और उसी चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, जो ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, क्यों स्टार्ट करूँ, और अगर स्टार्ट कर भी लूँ तो कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ूँगा। तो ये बहुत सारे स्टार्टअप लोगों के क्वेश्चन जो है वो हमें आते रहते हैं आए दिन। तो आज का पूरा इंटरव्यू जो रहेगा, आज के पूरा जो हमारा टॉक जो रहेगा, वो उसी पर्पस से हम डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर एक बेसिक स्टेप क्लियर करवाया जाएगा कि कोई भी पर्सन जब गुरुकुल के साथ कनेक्ट होता है और उनको अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना होता है, तो स्टार्टअप कंसल्टिंग के जरिए हम किस तरीके से लोगों को हेल्प करते हैं। तो आज वो वाला अध्याय जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो, कैसे हेलो सर, है? अच्छा आप कैसे हो? हाँ बस एकदम बढ़िया। बताइए। तो सर मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ ओके और मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर का एक्सपीरियंस वगैरह है मेरे पास उस फील्ड का, तो मैं अपनी शाखा खोलना चाहता हूँ इंदौर में। ओके तो सुनने में आया था कि गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हमको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाती है और जो स्टार्टअप बिजनेस रहता है उसको हेल्प करती ग्रोथ करने में। सही है, तो सही मैं है। सोच रहा था कि मैं अपना व्यापार वहाँ पर स्टार्ट करूँ डिजिटल फील्ड में, तो उसी रिगार्डिंग में आया था। तो आप बताइए आप कैसी मेरे को हेल्प कर सकते हो? डेफिनेटली सर, हाँ जी गुरुकुल कंपनी जो है उसका एक ब्रेफ मैं आपको दे दूं, जहाँ हाँ से आपको क्लियरिटी हो कि गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म जो है वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म एक विजन के ऊपर काम कर रही है। और हमारा विजन ये है कि हमें आने वाले टाइम में 5,000 MSME कंपनियों को 500 करोड़ के ऊपर लेकर जाना है, और उसमें से एक कंपनी आपकी है, ये सोचकर आज की हम ये मीटिंग कर रहे हैं। हमारा काम रहता है अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको ऑर्गेनाइज करना, और इसी के लिए हम हर कंपनी के अंदर जाकर सिस्टम और मैनेजमेंट को बिल्ड करके देते हैं। जैसे आज आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि किस तरीके से गुरुकुल आपको हेल्पफुल हो सकता है, तो डेफिनेटली हम आपको हेल्पफुल होना चाहते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें रहेगी जो मुझे आपसे समझनी रहेगी। जैसे कि आप ये स्टार्टअप का जो आपके माइंड के अंदर ये विचार आया है वो किस तरीके से आप स्टार्ट करना चाहते हो, और क्या आपका आने वाले टाइम का फ्यूचर का प्लानिंग है, थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हैं? सर डिजिटल का मेरे पास एक्सपीरियंस है जैसे मैं बताया, तो मैं चाहता हूँ कि अकेला तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अपने फील्ड इसके लिए टीम के लिए लीड ला सकता हूँ, मतलब बिजनेस ला सकता हूँ, लेकिन उसको मैं तुरंत एक साथ नहीं उनको प्रोवाइड कर सकता। तो मेरे को उसके लिए ना पहले टीम चाहिए रहेगी, तो मेरे को टीम चाहिए रहेगी उसके साथ, फिर आगे जाके मेरे को टीम बढ़ेगी तो उसके साथ टीम का कोलैबोरेट चाहिए रहेगा, उसके बाद फिर मैनेजमेंट भी चाहिए रहेगा, उसके साथ साथ जो मैं रेवेन्यू जनरेट करूँगा उसके थ्रू, तो रेवेन्यू को भी मैं उसी बिजनेस में लगाना चाहता हूँ। और उसके साथ जो मेरा स्टार्टअप है तो जो पहले से उस कम दूसरे भी लोग हैं जो मेरे को कंपटीशन देंगे, तो मैं उनको टक्कर दे के आगे कैसे निकल सकता हूँ? बहुत बढ़िया। आपका जो प्लानिंग आपने जो हमें शेयर किया हुआ है, डेफिनेटली उसी चीज़ के ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन हमारा काम करने का एक तरीका होता है, हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि कंपनी अगर आप प्लान करना चाहते हो तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस प्लानिंग। और इस बिजनेस प्लानिंग के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपनी कंपनी को लीगली किस तरीके से प्लान करने वाले हो, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो वही रहेगा कि आपको अपनी कंपनी का एक नाम सोचना है, हाँ जी उस नाम से रिलेटेड आपको एक लोगो बनाना है। जी जो नाम आपने सिलेक्ट किया है उसी के बेस के ऊपर या तो प्रोप्राइटरशिप या तो पार्टनरशिप या तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड आपको कंपनी का प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस जब आप कंप्लीट करते हो तो आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी कि आपकी फर्म कौन सी क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन हुई है। ये हमारा पहला चरण रहेगा जिसमें हमारे एक्सपर्ट लोग जो होंगे वो भी आपको हेल्पफुल करेंगे। दूसरी चीज रहती है कि प्लानिंग अगर अपना कंप्लीट हो जाता है, फिर सेकंड चीज निकल कर आती है कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस क्या रहेगी, क्योंकि
क्योंकि मार्केट में आज आप जो कॉम्पिटिटर को लेकर बात कर रहे हो या बाकी लोगों को लेकर बात कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास यूनिकनेस क्या है। जैसे कि एक टर्म कही जाती है जो मैनेजमेंट के अंदर बोला जाता है, आपका यूएसपी क्या है। यूएसपी का मतलब ये होता है कि मार्केट की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन क्या देने वाले, क्योंकि मार्केट का जो गैप है उसको अगर आपने आइडेंटिफाई किया और उसका सॉल्यूशन अगर आपने दिया, तो आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस लोग डिमांड करेंगे, आपको देने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सेकंड स्टेज रहता है। ये स्टेज कंप्लीट होने के बाद थर्ड स्टेज आता है कि हमें टीम चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि आज कोई भी काम की अगर शुरुआत करनी है तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये आपसे घर से भी शुरू कर सकते हो, नियर बाय में अगर कोई वॉकिंग या वर्क करने के लिए कोई प्लेस मिले तो वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और कुछ ना समझ में आए तो बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, वहां से एज अ फ्रीलांसर आपको काम मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, और ये सब कुछ अगर करना है तो एक बजट लेकर भी प्लान करना पड़ेगा। तो बेसिक बजट भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो बजट होगा तो उसी के बेस पे ऊपर ये सारी चीजें डिसाइड होगी। ये सब कुछ कंप्लीट समझो आपका हो गया, तीन स्टेप अगर आपके कंप्लीट हो गए, चौथा स्टेप आपका ये आएगा कि आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में रखोगे कैसे। हाँ, exactly. जिसका रहेगा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, क्योंकि आज आपकी नई प्रोडक्ट है, नई प्रोडक्ट में ज्यादा लोग पहले से ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आपको स्टार्टिंग में अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ ऐसे नियर एंड डियर लोगों के काम आपको करने पड़ेंगे जो आपके जान पहचान वाले हो, जिनको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ देना पड़ेगा, जहां पर आपकी वैल्यू जब किसी पर्सन को जाएगी तो उस वैल्यू के काम के ऊपर वो बंदा आपको रिटर्न देने का प्लान करेगा, और वो जब प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट आप प्लान कर रहे हो या जो सर्विसेस आप प्लान कर रहे हो, लोगों की डिमांड क्या है और लोग क्या आपको देना चाहते हैं। ये प्रोसेस जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको सेल्स का एक फनल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज कोई भी जगह से कोई भी पर्सन अगर आपको ढूंढ रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो पर्सन का जब आईडी नंबर आपके पास आता है, मोबाइल नंबर और नाम अगर आपके पास आता है, तो आपके वहां एक प्रोसेस होनी चाहिए कि पहला स्टेप क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप क्या रहेगा और आखिरी स्टेप क्या रहेगा। तो ये पूरी प्रोसेस जब उनकी गुजरेगी तब वो आपकी जो कोल्ड लीड है वो आपकी हॉट लीड में कन्वर्ट होगी, और वो कल उठ के आपका एक कस्टमर बनेगा। ये कस्टमर की प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है अकाउंटिंग, क्योंकि आज कोई भी बंदा अगर पहला बिल आपसे बना रहा है और उसके सामने आपको उनको सर्विस देना है, तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए कि कितने टाइम के लिए आप काम करने वाले हो, क्या करके आप उनको देने वाले हो, वो पर्सन आपको क्या देने वाले हो और आप उनको रिटर्न क्या देने वाले हो। तो ये अकाउंटिंग की प्रोसेस प्रॉपर आपको सेट करनी रहेगी, और लास्ट में सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा सर्विस, क्योंकि सर्विस एक ऐसी चीज है कि जहां से उसी कस्टमर को आप रिपीट कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप किसी भी बंदे को सेटिस्फेक्शन नहीं, तब तक उस बंदे को आप रिपीट नहीं कर पाओगे। तो सेटिस्फेक्शन दिलाने के लिए आपने जो काम करके उनको दिया है उसी चीज का रिव्यू आपको उनके से लेना पड़ेगा, और जब आप रिव्यू लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट में, आपके काम करने के तौर तरीके में क्या क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और पहला अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हो तो वन मैन आर्मी वाला काम होना पड़ेगा। हाँ जी सर, क्योंकि स्टार्टिंग के स्टेज में आप ही सब कुछ हो, आपको ही सब कुछ करना रहेगा। फिर जैसे जैसे वर्कलोड आपका इंक्रीज होते जाता है, एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट, 10 प्रोजेक्ट अगर आपके पास आते हैं, तो आपकी क्षमता है 5 प्रोजेक्ट तक अटेंड करने की। तो 5 प्रोजेक्ट तो आपने अटेंड कर लिए अपने लेवल पर, फिर अगर प्रोजेक्ट आपको बढ़ाने हैं तो आपको टीम मेंबर बढ़ाते रहने पड़ेंगे, और उसमें भी आपको किस तरीके से टीम मेंबर बढ़ाने हैं कि जो चीज आपकी खुद की स्ट्रेंथ है पूरे बिजनेस में उसके ऊपर आपका खुद का हाथ होना चाहिए, और जो चीज आपकी वीक है उस वीकनेस के अंदर ऐसे पर्सन को आप प्लान करो जिसकी वो स्ट्रेंथ हो, तब तो विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी और तभी पर्सन जो है वो आपके साथ जुड़ेगा, तो आपका काम है वो वहां से डबल होना शुरू हो। फिर धीरे धीरे करके आपको एक ऑफिस प्लान करनी है,
फिर धीरे धीरे करके उस ऑफिस को आपको एक्सपांड करना है, आपके अंदर में 5, 10, 15 लोगों की टीम लेकर आनी है, उस टाइम पर भी आपका रोल यही रहेगा कि उन लोगों को रोज का काम लाकर देना है, उनसे काम मांगना है, क्योंकि उस टाइम पर आपकी पोजीशन हो जाएगी मैनेजर की। तो ये सेकंड स्टेज रहेगा बिजनेस का, जहां पर आप पहले खुद करता अर्ता धरता थे, अभी आप मैनेजर हो गए। उसके बाद का एक स्टेज ये आएगा कि अलग अलग टीम जो आपकी बनी है उसका एक हायरार्की स्ट्रक्चर बनेगा। उस स्ट्रक्चर के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं उसके अंदर 10-10 लोगों की टीम बनेगी, और उस टीम को लीड करने वाले उनके मैनेजर्स अपॉइंट होंगे, और वो मैनेजर जब पूरी टीम को लीड करने का काम करेंगे तब आप अपने बिजनेस के लीडर बनोगे। और लीडर की पोजीशन के ऊपर आपका काम क्या रहेगा, फ्यूचर का प्लान करना और फ्यूचर का नया डेवलपमेंट करना, और उसके बाद की जो चीजें आपको करनी रहेगी वो आपके जो मैनेजर्स है उनके रूटीन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको उनको ला कर देना है। और उसके बाद का एक स्टेज आएगा जब एक बिजनेस आपके बिना चलना शुरू हो जाए, फुल्ली ऑटो मोड के अंदर चला जाए, फुल्ली सिस्टम के अंदर वर्क करना शुरू कर दे, फिर आपको क्या करना है, एक लीडर चूज करना है, उस लीडर को उस बिजनेस को हैंड ओवर कर देना है, और उसके बाद आपको सोचना है कि अब नया बिजनेस में क्या करूं। तो ये एक लंबी जर्नी है जो मैंने शॉर्ट में आज आपको बताई है। इस जर्नी में मिनिमम 2 साल भी लगता है, 3 साल भी लगता है, 5 साल भी लगता है, 10 साल भी लगता है, लेकिन गुरुकुल की कंसल्टिंग लेने का आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जो जर्नी आप 5 से 10 साल में फुलफिल करने वाले हो, गुरुकुल अगर आपके साथ रहता है तो वही जर्नी आपकी 2 से 3 साल में पूरी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आज हमने गुरुकुल ने पिछले 8 साल से तकरीबन 500 से 1000 कंपनियों के अंदर कंसल्टिंग की हुई है। किसी ने छोटे लेवल से बिजनेस शुरू किया था, कोई आज एक लेवल एक्स्ट्रा पहुंच चुका है, और बहुत सारे लोग हमारे रिपीट हुए हैं। तो आज हमने हजारों लोगों के साथ जो काम किया हुआ है उसका जो तजुर्बा हमें मिला है, उसका जो एक्सपीरियंस हमारे पास है, वो डायरेक्ट आपको मिलेगा। तो एक चीज होती है कि खुद गलती करके सीखे, और दूसरी चीज होती है किसी की गलती से सीखे। आज इंडिया का कल्चर क्या है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पहले ही मिलने के लिए आ गए, अभी तो आपके माइंड में जस्ट आइडिया है, लेकिन ये चीज हम लोगों को बताते हैं, फॉरेन के अंदर जितनी भी कंपनियां है फॉर्च्यून 500 में क्यों चली जाती है, क्योंकि उस जगह पर कोई बंदा अगर सोचता है कि उसको बिजनेस शुरू करना है तो शुरू करते ही वो सबसे पहले मीट करेगा कंसल्टेंट के साथ। और इंडिया का सिनेरियो अलग है। इंडिया में जब सारा हाथ पैर मार ले, सब कुछ करके थक जाए, और फिर जब उसको फील होना शुरू हो जाए कि अब मेरे बस का नहीं है, तब वो कंसल्टेंट को याद करता है, तब वो कंसल्टेंट को ढूंढता है। तो डूबती हुई नैया को कौन पार करेगा, तो कंसल्टेंट को भी फिर एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है, कंसल्टेंट को भी मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। तो ये जो हमारा पूरा जर्नी रहेगा ये लाइफ लॉन्ग जर्नी रहेगा, मिनिमम 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल गुरुकुल के साथ आपको जुड़ना रहेगा। स्टार्टिंग फेज के अंदर हम 6 महीना साल भर का एक प्रोसेस करेंगे, जिस प्रोसेस में हम आपके साथ रहेंगे। वीकली हमारी मीटिंग चलती रहेगी, 2 घंटे की हमारी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में हम सारी स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और हमारा USP क्या है कि हम खाली प्लानिंग बनाकर आपको नहीं देते, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में भी हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो प्लानिंग भी बनाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी साथ में करेंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी प्रोड्यूस होगा। और जब आपको 6 महीने साल भर का एक अच्छा रिजल्ट आपको प्रोड्यूस किया हुआ मिलेगा तो डेफिनेटली दोबारा आप हमें रिपीट करेंगे। हाँ, श्योर सर। और ये जर्नी जो है वो इसी तरीके से अपना आगे बढ़ता जाएगा। बराबर, ये सारी प्रोसेस करने के लिए, और आपको अगर ये सारी प्रोसेस करनी है तो सबसे पहले आपको नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करना है, हमारी एक अपॉइंटमेंट आपको लेनी रहेगी, और उस अपॉइंटमेंट के अंदर हमारे बिजनेस डेवलपर या बिजनेस कंसल्टेंट आपको मिलने के लिए आएंगे। 1 घंटे की एक मीटिंग आपके साथ रहेगी और आपका पूरे बिजनेस का एक एनालिसिस हम करेंगे। और जब आपके बिजनेस का आइडिया और पूरा एनालिसिस जब हमें क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एक पाथ तैयार करके हम आपको देंगे कि गुरुकुल आपके साथ जुड़ेगा कैसे, किस तरीके से हम मिलकर काम करेंगे और किस तरीके से हम साथ में ग्रो करेंगे। सो थैंक यू सो मच कि आज आपने यहाँ पर टाइम दिया और मेरे हिसाब से मैंने ये सारी चीजें आपको क्लियर की। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी सर, मेरे कुछ क्वेश्चन है। यस,
जैसे अभी मैंने बताया कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्लाइंट कैसे आएंगे? जैसे मैं इंदौर में स्टार्ट करूँगा, तो इंदौर में मैं मेरे एंड से तो कोशिश करूँगा कि प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए, आपके एंड से भी प्रोजेक्ट्स मेरे को मिलना चाहिए। उसके बाद एक फनल कैसे क्रिएट करूँगा, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग में हूँ, मेरे पास तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर है नहीं, तो फनल कैसे मैं जनरेट करूँगा? देखिए क्या होता है, कोई भी बंदा जब एक बिजनेस शुरू करता है तो स्टार्टिंग के अंदर उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपनी ही चीज़ों के ऊपर। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि आपने जहाँ से कॉलेज कंप्लीट किया, जिस एरिया में आप रहते हो या जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आपके नियर एंड डियर में बहुत सारे आपके दोस्त वगैरह हो गए, जहाँ आपने काम किया वहाँ पर आपके कलीग्स वगैरह हो गए। तो शुरुआत जो आपको करनी रहेगी आपके नियर एंड डियर्स के प्रोजेक्ट आपको करने पड़ेंगे, और पहले 10 प्रोजेक्ट तो आपको बिना कुछ कमाए करने पड़ेंगे। इस दुनिया का सर नियम है, कुछ दिया बगैर कुछ मिलता नहीं, तो देना पड़ता है। और जब देने की आपकी महत्वाकांक्षा ज्यादा होती है तो ऊपर वाला आपको देता है। तो स्टार्टिंग जो होती है ना, स्टार्टिंग में जब गुरुकुल ने अपना सफर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग के 10-15 प्रोजेक्ट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किए थे, उसका हमने कोई चार्ज नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि हमें मार्केट में एंटर होना था, आना था। और जब एक बार मार्केट हमने बना लिया, जब 10 लोगों को हमने सर्विस दे दी, हमें भी एक्सपीरियंस हो गया, और वही एक्सपीरियंस आगे 11वें लोगों को हमने बताया, 12वें बंदे को बताया, तो उसने फिर हमें काम देना शुरू कर दिया। तो शुरुआत में भले अपना मॉडल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला रहे, लेकिन उसमें आपकी सर्विस में इतना दम रहना चाहिए कि सामने वाला उसी चीज का फिर आपको पेट करे। और इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट होगा। गुरुकुल आपको क्लाइंट लाकर नहीं देगा, ये आपको पहले से क्लियर करूं। गुरुकुल आपको क्लाइंट कैसे लाने होते हैं ना, उसकी स्ट्रेटजी बताएगा, उसके तौर तरीके बताएगा, और वो तौर तरीके के ऊपर जब आप इंप्लीमेंट करोगे, काम करोगे, तो आज हमने हजारों कंपनियों को डेवलप किया है, तो अगली आपकी होगी जिसको भी हम डेवलप करने का काम करेंगे। क्लियर? यस सर। और ये सारी प्रोसेस जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, उसी का ये ब्रोशर हमने बनाया हुआ है। इस ब्रोशर के अंदर हमने पूरा का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि हमारा जर्नी शुरू कैसे हुआ था, हमारा विजन मिशन क्या है। हम आज 20% जो है वो ट्रेनिंग में काम करते हैं, 80% हम कंसल्टिंग में काम करते हैं। और कंसल्टिंग में काम करने के लिए आपकी साइड से आपकी प्रॉब्लम और हमारी साइड से हम सॉल्यूशन, तो आप अपनी प्रॉब्लम बताते जाओ, हम उसका सॉल्यूशन देते जाएंगे। और ये पूरी चीज जो होती है वो कस्टमाइज होती है। तो स्टार्टअप कंसल्टिंग जो अपने को करनी रहेगी वो भी कस्टमाइज करनी रहेगी। ये हमारे क्लाइंट बेस है, किसी ने जीरो से, हाँ किसी ने जीरो से स्टार्ट किया था, कोई आज बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गया है, और बहुत सारे लोग 80% लोग ऐसे हैं जो आज हमारे रिपीट कस्टमर हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो यही चीज आपके साथ हो सकती है, क्योंकि मैनी मोर हमने रखा, तो अगला जो आपका लोगो रहेगा वो हमें यहाँ लगाना है, ये हमारा निशान है। ओके, तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस रहेगी। फिर क्या रहेगा कि हर चीज का जो है वो टास्क रहेगा, वो टास्क के हिसाब से अपने वर्कआउट कर जाएंगे और उसी के हिसाब से अपने आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको भी क्लियर हो चुकी है और आपको भी आइडिया आ चुका है। अब इंतजार नहीं करना है, वेट नहीं करना है, वेट करते हुए राह नहीं देखनी है। अगर आपके माइंड में इतनी प्रोसेस में से कोई भी एक चीज अगर क्लिक हुई है, तो आज के आज तुरंत के तुरंत आपको ये नंबर जो है वो डायल करना है, हमारी अपॉइंटमेंट आपको ले लेनी है, और जल्द से जल्द ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हम अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए, तो हम दोनों तरीके से आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो अब आपका वेट रहेगा आपके फोन का, और इंतजार रहेगा कि अगले कब टाइम पर हम मिलने वाले हैं, आपसे जुड़ने वाले हैं, और आपके बिजनेस को डेवलप करने की एक्टिविटी करने वाले हैं। सो वी आर रेडी, डेफिनेटली वी ऑल आर रेडी, आप लोग तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच।